क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर कमरपाल चौधरी। और आपको क्या समस्या है जो आप इतनी समस्या दी है कि प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि सभी लॉकडाउन हो जाए, अपने घर में राष्ट्र सेवा करें, लेकिन हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है। ऊपर से ये किया जा रहा है, ये गैंगमैन पहले भी गैंगमैन थे और आज भी गैंगमैन नहीं रहेंगे। इस ट्रैक पे काम करने के लिए लोग जा रहे हैं यहाँ से, उस ट्रैक पे जो आदमी निकल रहे हैं ट्रेनों में वो थूक रहे हैं, वो थूकने से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा क्या? और ये लोग उसी चाबी को लेके हाथ से खिड़की लगाते हैं, फिर उसी हाथ को पहुंच के पानी पीते हैं सारे लोग, और एक साथ सारे काम कर रहे हैं। इनके सारे बच्चे 47 आदमियों के बच्चे शादीशुदा हैं, कोई मथुरा से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। एनडीटीवी परसों की बात थी, हमारे एक कर्मचारी रेलवे का सत्यनारायण एपी से आ रहा था, एपी एक्सप्रेस में 4 पॉजिटिव पाए गए, वो वहां से आया है, यहाँ हमारे साथ काम कर रहा है। हमने साहब से बोला कि रेल के लिए हम काम की मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी दूरी बनाई जाए 100 मीटर की कम से कम, ठीक है? और रेल बंद पड़ी है, टीटी गार दुनिया बंद पड़ी है, बोले मोदी बोले लॉकडाउन रहो। ये जनता कहां से आ रही निकल के, कोई सेफ्टी नहीं दी जा रही हमारे लिए, न हाथों में दस्ताने, न कोई साबुन, न कोई कपड़ा दिया जा रहा है। और हम बोलेंगे तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, या हमको चार्जशीट दी जाएगी या एब्सेंट लगेगी। हम बोलते हैं, हम आवाज नहीं उठा पा रहे। ये भारत आज भी गरीबों को मार रहा है, बोल रहे प्रधानमंत्री जी ये करेंगे हमारे लिए, ये करेंगे, कुछ नहीं कर रहा है कोई। हमको आज भी नीचे दबाया जा रहा है, कल भी नीचे दबाया जा रहा था, दुनिया की छुट्टी है, कोई काम है तो हमको बैठा के रखो अलग। हमको बताओ, इमरजेंसी अटेंड नहीं करें तो हमारी जिम्मेदारी है। गाड़ी कोई चल नहीं रही है, जबरदस्ती काम कराया जाए, एब्सेंट लगाई जा रही है जबरदस्ती से, बताओ आप, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है या न्याय हो रहा है, मुझको ये बताइए पहले तो आप। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये, सारी सेफ्टी की जाए, हमारी सारी सुरक्षा की जाए, हमारी जो हमारी है, जो सबको सेफ्टी दी जा रही है, सभी लोगों को। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं क्या, आप घर से लॉकडाउन रहो, लॉकडाउन कैसे रहे, जबरदस्ती ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है, एब्सेंट लगाई जा रही है, और हम यहाँ से घर जाते लौट गए तो हमारे बच्चों को भी होगा क्या? अगर हमको होगा तो इनको भी होगा, ये भी जिंदे नहीं रहेंगे, ये समझ रहे हैं हम ही हम मरेंगे, ये भी तो मरेंगे साथ में, ड्यूटी का भी तो फर्ज बनता है साइड में रहने का। आपका क्या कहना है जी? मेरा कहना यही है सर, मेरी कल एब्सेंट लगी है। अच्छा, तो ये एब्सेंट करके है या वाकई में आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत ये भी है सर, ये सारी चीज समस्या है कि हाथ साफ करने के लिए तौलिया नहीं मिलती, साबुन नहीं मिलता, पानी की व्यवस्था नहीं होती सही ढंग से, हर व्यवस्था की चीज होती है, और ये सबके लिए समस्या है। तो आप कहाँ से? मथुरा से हूँ सर। मथुरा से आते हो? आपका क्या नाम है जी? सतवीर गुर्जर। आप कहाँ से आते हो? मैं यहीं से भड़ान चौक से आता हूँ। तो आपकी क्या समस्या है? यही समस्या है, सेम समस्या सबकी है सर, यही कि आपको सैनिटाइजर नहीं दी जाते, मास्क नहीं है, एक एप्लीकेशन बनाई थी हम लोगों ने सारण मिलकर, तो सर ने है ना, मतलब कल साहब ने साबुन वगैरह दिया है, सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह नहीं। क्या आप क्या कह रहे हो कि कल मांग थी, मतलब हमें सैनिटाइजर, साबुन और तौलिया वगैरह दिया है, बात करते हुए देखते हुए हमें साबुन तो दिया, साबुन भी दिया कम से कम एक साल, मतलब एक साल एक्सपायरी डेट का, बैक डेट का, एक्सपायरी डेट के साबुन दे दिए। हाँ, उनका मतलब ऐसे तो ऐसे साबुन ना दो तो अच्छा है, जो बैक डेट का साबुन मतलब यूजलेस है, किस काम, किसी काम के नहीं है, आते हैं उसके बाद भी साबुन सामान जो आता है मिलता भी नहीं है। अच्छा, जो भी हमने मतलब फैसिलिटी अपने पैसों से खरीद के हमने पहने हुए हैं, यहाँ से मतलब कोई भी सेफ्टी या कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई अभी तक, और डेली वेज जो भी काम हमारा वर्क हमारा चल ही रहा है, 40-50 लड़के एक साथ रह रहे हैं, किसी से भी कोई भी दिक्कत है, कोई कहाँ से आ रहा कहाँ से नहीं आ रहा, और जो नहीं आ पा रहे ड्यूटी पे उनकी एब्सेंट लगाई जाए, जो प्रधानमंत्री जी ने मना कर रखा है, ऑफिस कोई नहीं आ रहा, कोई ऑफिसर कोई नहीं आ रहा, हम भी ये भी चाह रहे हैं, हम काम करना चाहते हैं, हमारे डीआरएम साहब हमें हमारे सामने साथ हमारे काम करें, आगे हमसे हाथ मिला, क्योंकि जब हम मरेंगे तो वो भी तो मरे, तो हम भी मरना। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? तो हम सब कहा यहाँ पर कहा उसे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे फिर हम। ठीक।